बड़ी कैसे हो आप। सुबह सुबह की राम राम, जय श्री कृष्ण। और अभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में भी टाइमिंग हुई 5 o'clock। देखो पूरा अंधेरा है, इतनी जल्दी उठ गए। और चाहे मैंने ज़्यादा नहीं पीती पर तो आज थोड़ी सी पी लेके आई मैं, और बहुत दिन हो गए मैं घूम ही नहीं रही थी यहाँ पे। देखो हरे हरे मेरे पेड़ पौधे, बगीचा मेरा, और यहाँ का घर देखो पूरा बन गया। इधर बाजू वालेगा और अच्छे से इन लोगों ने पौधे वगैरह कर दी है। चलो आप भी हमारे साथ घूम लो। आज मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना। वीडियो अगर बात नहीं करो तो उसका तो कितना दे रहा है। देखो पूरा दे रहा है। चलो बने देना ब्लॉग में आगे आगे। पूजा हो गई है हमारी, मंदिर में होके आ गए हम। हम जाएंगे संस्था में, है ना। ओके हमारा टाइम संस्था को भी जाना। काकरोच बहुत हो गए हमारे घर में, क्या करना चाहिए। काकरोच का इलाज वैसे तो लाए मेरे मिस्टर है काकरोच की, हीट मैंने तो अभी डाली भी नहीं, इसके लिए मेरे को स्मेल बहुत बेकार लगती है। इसके लिए मुझे अच्छी नहीं लगती इसकी स्मेल। अभी भी ये 8:40 टाइम हो गई है। खाने बनाया था मैंने, आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाई थी सब्जी टिफिन के लिए। मैं भी टिफिन ले जाता है, और आलू गोभी का साग बनाया मैंने, बहुत टेस्टी बना है। मुझे तो नहीं खाना ही, मेरा फास्ट है। आज मेरा है मंडे, मंडे का उपवास रहता है। चलो भगवान का आशीर्वाद लेके जाते हैं हम। हो गया काम तो जितना कर पाती हूँ, मॉर्निंग में उतना कर लेती हूँ, जितना बन पाता है उतना। चलो ठीक है, ब्लॉग में बने रहना। नए है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पाठ हो रही है, ये खाना खा रही है, नहा धो के तैयार हो गई। ये देखो लंच हो रहा है, ब्रेकफास्ट। अभी संस्था से आई हूँ, आज मेरा फास्ट भी है। अभी आके मैंने पूरा किचन साफ किया, अभी टाइम भी 2 o'clock। अब मैं ये सोच रही हूँ इसमें मखाने की दाने थोड़ा सा भून लेते हैं, अच्छी लगती है, पौष्टिक भी रहती है, क्योंकि नाइट में भी खाना नहीं खाया था, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी, इसकी वजह से मैंने नहीं खाना खाया। आगे मैंने साड़ी चेंज की, इसे मखाने की दाने नमक डाल के इतना थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा निका सा घी डाल देती हूँ, अच्छी लगेगी। एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से, फिर मैं बाद में वीडियो देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं दिखा नहीं पा रही। इसमें भी अभी क्या मौसम ऐसा बना हुआ है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, थक जाते हैं।
कभी सही कभी इतनी ठीक थी, अब थोड़ा आज देखो अच्छे हो जाए। बस थोड़ा सा इसमें भून लो ना, गरम कर लो तो बहुत अच्छा लगा, और हल्का सा घी वगैरह ले लो। ज़्यादा नहीं, हल्का सा, थोड़ा सा, बस इतना सा, थोड़ा सा अच्छे हो जाएंगे। थोड़े से बर्तन रखे पर मैं अभी नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा, जैसे मैं शाम के डिनर की तैयारी, अरहर की दाल गलाना है मुझे, वो गला दूंगी मैं, क्योंकि अच्छी जल्दी से गल जाती है ना तो बहुत टेस्टी होती है। कोई मोबाइल पकड़ने वाला हो जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाए। मेरी वीडियो अच्छी बनी है, अभी ये कोटी में से ले लो, अरहर की दाल लेती हूँ, अंधेरे में तो नहीं दिखेंगी। मैं एक कटोरी अरहर की दाल लेती हूँ और आधी कटोरी मूंग की दाल, जिसमें दाल चावल बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि अरहर की दाल बोलते कि बाद भी रहती, बोलते कि ऐसा बोलते हैं भारी रहती, मैं ज़्यादातर वो कर लेती हूँ। थोड़ा सा मूंग की दाल डालूँ तो उसमें थोड़ा स्वाद भी टेस्ट अलग हो जाता है, और उसके बाद इसमें भी हल्का सा नमक डालती हूँ। ऐसा टेस्ट अच्छा आ जाता है। चलो ठीक है, बिलाल में बनी रही ना, इधर भी पंखा वंखा बंद कर देती हूँ, अच्छे वाले थोड़ा सा खाने लायक हो जाते, नहीं तो स्वाद फीका फीका रहता है। थोड़ा सा नमक डाल दो ना, उपास का नमक डाल दो। देखो मौसम बिल्कुल पानी वाला बन गया, परंतु बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है बारिश का, तो बिल्कुल इतनी उमस हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, बुला मौसम कितना गर्मा है, और अपने कितनी हवा आ रही, तूफान आ रहा है, हवा चल रही है, पानी आ रही, बारिश हो रही है। ये देखो तूफान आ गया है, बचाओ तूफान आ गया है, बादल गरज रहे हैं, बहुत अंधेरा हो गया, लाइट भी खड़ गई है, चलो बाय बाय, अंधेरा बहुत हो गया, अब लाभ नहीं बना पाऊंगी, और इस बारिश के साथ ही लास्ट इवनिंग देखने को आम याद रखना, फिर से देखने देना, स्टार्ट वीडियो भी देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।